नहीं, ये लेफ्ट साइड वाला कसम है। वो ग्यारह महीने वाला जो थोड़ा सा वीक रहेगा, वो माशाल्लाह खाने पीने में बहुत एक्टिव है। जो डिस्काउंट वाले रेट होंगे वो 55,000 55,000 रुपये बच्चे रहे, इनकी डिमांड तो 15,000 रुपये, मगर ये फाइनल जो बच्चा है उसमें 14,000 रुपये के हिसाब से बच्चे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल पे, जिन्हें जमशेद एक बार फिर आप लोग की खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स एक बार फिर हम एक सेटअप पे मौजूद हैं, यहाँ पे शहजाद भाई मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे इस सेटअप पे क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से शहजाद भाई? अल्लाह का शुक्र। तो इस सेटअप पे क्या क्या मौजूद है सबसे पहले व्यूवर्स को ये बता दें। अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ी के बच्चों की कलेक्शन मौजूद है, गिरे के बच्चों की कलेक्शन है, काकड़ू में मीडियम फिल्पर है, इसके अलावा माशाल्लाह इलेक्ट्रिस में है, पैंटाकोनियर है, पहाड़ी है, मकाओ है, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेंज रखी हुई है। अच्छा, तो यहाँ पे अच्छा काफ़ी प्लेफुल है, देख रहा हूँ मकाओ, ये माशाल्लाह से उल्टे को सो जाते हैं ये। इस मकाओ की बात कर लेते हैं, ब्लू एंड गोल्ड की, इसकी एज क्या है? ये माशाल्लाह से अभी आठवें महीने में लगा है। अच्छा, और ये बताएगा ये टॉकिंग क्या कर रहा है अभी? टॉकिंग अपनी मर्जी से अभी 3 से 4 अल्फाज दे रहा है। तो क्या डिमांड रखी है इसकी? इसके 1,80,000, 1,80,000 रुपये इसकी डिमांड है। अच्छा, तो अभी ये बोलना और सीख सकता है? बिल्कुल, अभी तो उम्र ही कुछ नहीं है, 8वें महीने में लगा है, अभी तो ब्लैक आइज़ पर है ये, और अपनी मर्जी से भी अच्छे अल्फाज दे रहा है अभी, क्या हुआ, आ जाओ, इधर आओ पापा, इस टाइप के अल्फाज देना शुरू किए हैं इसने। अच्छा, रेट थोड़े ऊपर हुए हैं? रेट कुछ ऊपर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं रेट, इतना हमें भी पता है, कस्टमर्स को भी पता है। असल में इस साल ब्रीड बहुत कम आई है, सारी बेसिकली मेन वजह ये है। अच्छा, ब्रीड कम आने की वजह से भी महंगे, और कुछ जो हालात की वजह से? इतनी वजह इतनी नहीं है जितनी ब्रीड की वजह होती है। असल में क्वान्टिटी में माल आ रहा होता है तो जाहिर सी बात है सब वजह के भी बेचो, अभी ब्रीड पीछे है ही नहीं, सारी मेन वजह ये है। ठीक है। अच्छा, और ये जो लोरी है इसके बारे में बताएं। ये लोरी माशाल्लाह से 100% टॉकिंग पर है, ये सबसे मेन बात इसकी अल्लाह बोल रही है, अल्लाह बोल रही है, क्या हुआ, म्याऊं, डॉग की आवाज़, और बहुत ज़्यादा प्लेफुल है, और टॉकिंग की 100% गारंटी है इसकी। अच्छा, तो क्या क्या ये बोल रही है अभी करंटली वैसे लोगों के सामने, बगैर डरे? बगैर डरे भी काफ़ी अल्फाज दे रही है, अल्लाह बोल रही है बगैर डरे, मिट्टू बोल रही है बगैर डरे। नहीं, लास्ट टाइम ऐसा होता है ना कि कस्टमर वगैरह के सामने बोलते नहीं है, तो इसकी गारंटी है, इसकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी दूंगा, सामने टोकिंग देगी। हाँ, देख रहा हूँ काफ़ी प्लेफुल है भाई, एक हैबिट है इसकी कंधे पे बैठने वाली, बिल्कुल ये हैबिट है इसकी, तो माशाल्लाह प्लेफुल भी बहुत अच्छी है, डांस वगैरह में बहुत अच्छा डांस भी कर रही है। क्या डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? इसकी डिमांड है 80,000 रुपये। 80,000 रुपये डिमांड कर रही है। अच्छा, ये बताइएगा एज क्या इसके? ये 2 साल के है। 2 साल के है जी। जी शहजाद भाई, ये जो मकाओ देख रहे हैं इसके बारे में बताएं। जी ये मकाओ 1.5 साल का है, और ये हल्की सी प्लकिंग पर आ गया था, डॉक्टर माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो चुका है, देख रहे हैं धुआं वगैरह भी आ गया है, इसके पर वगैरह भी माशाल्लाह से निकल गए हैं। एज क्या है इसकी? एज ये 15 महीने का है। 15 महीने का। डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? इसकी भी डिमांड 1,70,000 रुपये, मगर ये वाला पीस सेल आउट हो चुका है। अच्छा, ये बताइएगा ये फुल टॉकिंग पर है? नहीं, इसके अल्फाज ज़्यादा हैं, इसके अल्फाज फुल टॉकिंग पर अभी नहीं आया है, फुल टॉकिंग पर तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में बर्ड्स आता है, तो जब सामने टॉकिंग देना शुरू करते हैं, अभी तो समझ लें बच्चों में आएंगे, अभी 15 महीने की उम्र में ही तो टॉकिंग स्टार्ट कर दी है। जी, टॉकिंग स्टार्ट कर दी है इसने। जी शहजाद भाई, यहाँ मैं पैंटागोनियन देख रहा हूँ, इसके बारे में बताएं। जी पैंटागोनियन ये भी बहुत प्लेफुल है, और अल्फाज में म्याऊं और मिट्टू दो अल्फाज दे रहा है ये, और टेम भी बहुत अच्छा है ये, हैंड टेम है, म्याऊं और मिट्टू बोल रहा है, दो अल्फाज की गारंटी है इसकी। तो क्या डिमांड कर रहे हैं इसके? इसकी 55,000 रुपये। 55,000 रुपये। एज क्या है इसकी? एज ये 2.5 साल का है। 2.5 साल का है। जी जी शहजाद भाई, इस पहाड़ी के बारे में बताएं। ये माशाल्लाह ये भी सामने टॉकिंग दे रहा है, और इसके रेट हमने रखे हैं 38,000 रुपये। 38,000 रुपये इसकी डिमांड कर रहे हैं। एज क्या है इसकी? ये 3 साल का है। 3 साल का है। टॉकिंग कैसे है इसकी? टॉकिंग अभी नॉर्मली टॉकिंग है, ज़्यादा टॉकिंग नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे अंदर आदत नहीं है झूठ बोलने की, बहुत कम अल्फाज है, लेकिन सामने अल्फाज देता है, डरता नहीं है ये, फौरन सामने सामने स्पीकिंग स्टाइल देना, बिल्कुल हाथ से दिखाकर, हाथ से जिस तरह से उसको प्यार करेंगे तो अल्फाज देना शुरू कर देगा। ठीक है जी। हेलो,
جی شہزاد بھائی یہاں پہ جو الیکٹرس بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. یہ ماشاء اللہ دونوں ہینڈ ٹیم ہیں اور دونوں نے ایک ایک الفاظ دینا شروع کر دیا ہے. بس کیا ہے یہ ایک اس میں 10 مہینے کا ایک 11 مہینے کا ہے. میرے خیال سے رائٹ سائڈ والا 10 مہینے کا نہیں یہ لیفٹ سائڈ والا 10 مہینے کا ہے. وہ 11 مہینے والا جو تھوڑا سا ویک رہے گا وہ ماشاء اللہ کھانے پینے میں بہت ایکٹیو ہے. تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں پر پیس؟ 90,000 روپے ایک پیس کے. اچھا تو ٹاکنگ اسٹارٹ کر دی, کیا کیا بول رہے ہیں؟ اسٹارٹ کر دی, 10 مہینے والے نے مٹھو بولنا شروع کیا ہے, 11 مہینے والے نے گڈ مارننگ بولنا شروع کیا ہے. اچھا ایک کانگریس بنا رہے ہیں آپ, کیا کریں آپ, صبح اٹھتے ہی بےچارا بولتا ہے گڈ مارننگ ہے. جی شہزاد بھائی اس کاکٹو کے بارے میں بتائیں. یہ کاکٹو میں میڈیم سلفر کا میل ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے 1,40,000 روپے. 1,40,000 روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو ٹاکنگ کر رہے ہیں؟ ٹاکنگ ابھی اس نے اسٹارٹ نہیں کی ہے. ایج کیا ہے اس کی؟ یہ 10 مہینے کا ہے. 10 مہینے کا ہے, ٹاکنگ اسٹارٹ نہیں کی ہے. اور ہینڈ ٹیم ہے؟ نہیں یہ سیمی ٹیم ہے. سیمی ہاتھ پر بھی آ جاتا ہے مگر اتنا ریگولر نہیں آتا, ہاتھ پہ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. مجھے پیار وغیرہ بالکل کرواتا ہے ایزی ہو کے. یعنی موڈی ہے تھوڑا سا؟ جی موڈی سے یعنی کہ صرف ہاتھ پہ نہیں بیٹھتا, یعنی کہ ہاتھ پہ بیٹھنے سے صرف گھبراتا ہے. بقایا گھر میں کھلا رکھیں اس کو یا پیار وغیرہ کروانا چاہیں پیر پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, پیار بھی کرواتا ہے. صرف ہاتھ سے ڈرتا ہے, ہاتھ پہ نہیں بیٹھتا. جی شہزاد بھائی آپ ہمارے ویورس کو کیا دکھائیں گے؟ جی اب ماشاء اللہ سے گرا پیرٹ ہے. یہ ماشاء اللہ بہت اچھی ٹاکنگ کر رہا ہے. سب سے مین بات یہ پورا کلمہ پڑھ رہا ہے اور گھر کے ماشاء اللہ جتنے بھی افراد ہیں تو ہمارے گھر کے سب کے نام لے رہا ہے, ایزیلی نام لیتا ہے. یہ ہے گرے پیرٹ جس کے بارے میں بتایا. یہ والا گرے پیرٹ ایج کیا ہے اس کی؟ یہ 4 سال کا ہے. 4 سال کا ہے اور آپ نے بتایا ٹاکنگ کافی اچھی ہے. ٹاکنگ ماشاء اللہ پورے کلمے کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے اور یہ بتائے گا کیا ڈیمانڈ ہے اس کی؟ اس کی ڈیمانڈ ہے 1,50,000. 1,50,000 ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کی. اور یہ بتائے گا ٹاکنگ جو ہے وہ کیسی کر رہی ہے؟ ٹاکنگ کروا سکتے ہیں اس کو؟ ابھی تو میں خیال سے تھوڑا بہت الفاظ دے دے گا مگر یہ کہ اس کو باہر زیادہ میں سے میں نکالتا بھی نہیں ہوں, گھر میں زیادہ تر یہ رہتا ہے. جبھی تو پورے گھر کے بچوں کے نام ہم لوگوں کے نام پورے نام یاد ہو گئے ہیں اس کو. زیادہ تر گھر میں جو چیز رپیٹ ہوتی رہتی ہے وہ بہت جلدی سیکھ جاتے ہیں. فوراً کور ہوتی ہے گرے پیرٹ, تو آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ ہر چیز فوراً کور کرتا ہے. رنگ ڈالا ہوا اس کے پیر میں؟ لوکل ہے یہاں؟ جی لوکل رنگ برڈ ہے. اور اب تو آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ سے باہر سے تو سبھی مال آنا بند ہو چکا ہے, اب تو بچے ہی وغیرہ بھی یہیں کی بھیڑ ڈالی اور یہیں سیل ہو رہی ہے. جی شہزاد بھائی آپ کیا دکھائیں گے ویورس کو؟ جی اب میرے پاس ماشاء اللہ سے گرے کے چکس ہیں اور رو کے چکس ہیں, تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. چلیں دیکھ لیتا ہوں. جی شہزاد بھائی یہ جو ہم گرے کے بیبی دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. جی گرے کے بچے ماشاء اللہ سے 2 مہینے کے ہیں اس میں اور 2.5 مہینے کے ہیں. اچھا تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ڈیمانڈ تو دیکھیں ریٹ تو اس کے اس وقت آپ کو پتا ہے مال گرے کا بالکل شارٹ ہو چکا ہے, پیچھے سے مال بہت مہنگا آ رہا ہے. ویسے تو 7,500 روپے اس کے ریٹ چل رہے ہیں مگر میں آپ کے ویورس کے لیے جو ڈسکاؤنٹ والے ریٹ ہوں گے وہ 55,000 روپے ہیں. 55,000 میں دے دیں گے. 55,000 روپے کا ایک بچہ دیکھنے میں. کون کتنے مہینے کا یہ؟ 2 مہینے اور 2.5 مہینے کے بچے. 2 مہینے کا اور 2.5 مہینے کے بچے ہیں یہ. 55,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. جی بھائی ماشاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی حد تک کور ہو چکے ہیں. بریڈ کیا کھلا رہے ہیں ان کو آج کل؟ کیٹی فٹ کیٹی ہائی پیچ کھلا رہا ہوں. لوکل بریڈ ہے؟ لوکل 100% لوکل ہے. اور لوکل سے بھی مراد ہمارے یہاں کراچی کی بریڈ کے بچے ہیں. جی شہزاد بھائی یہاں پہ دیکھ رہا ہوں سب سارے ہلا رہے ہیں مل کے. جی بھائی یہ ماشاء اللہ سے فیڈ مانگتے رہتے ہیں, یہ سب ماشاء اللہ 2.5 مہینے کے بچے ہیں اور ابھی ماشاء اللہ 2 ٹائم ہینڈ فیڈ کے اوپر آئیں گے. اچھا تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی؟ ان کی ڈیمانڈ تو اسے 15,000 روپے مگر یہ فائنل جو بچہ میں دوں گا 14,000 روپے کے حساب سے بچہ دوں گا. اچھا سائز میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے بڑے ہیں, تو کیا ایج وائز؟ تھوڑا بہت ایج کا فرق ہوتا ہے, 5-7 دن کا فرق ہوتا ہے. یہ بھی 5-7 دن میں ماشاء اللہ پورے کور ہو جاتے ہیں, زیادہ فرق نہیں ہوتا. 10 دن میں ماشاء اللہ پورے کور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا تو ابھی جو بڑے بچے ہیں ان کے کیا ہے؟ جب یہ 2.5 مہینے کے ہیں, 2.25 مہینے کے بچے ہیں. 2.5 مہینے کے 2.25 مہینے کے بچے ہیں. جی بھائی اگر ایسے چھوٹے بچے بھی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, ان کے بھی ریٹ بتا دوں گا آپ کو میں. اچھا یہ بتائے گا کہ ان کے ریٹ فائنل کیا ہوں گے؟ ریٹ 15,000 ہیں, آپ کے ویورس کے لیے 1,000 روپے پر پیس پہ ڈسکاؤنٹ ہوگا اور یہ 14,000 روپے کا بچہ آئے گا. 30,000 روپے چھوٹے بچے دکھا رہے تھے آپ پہاڑی کے؟ جی بھائی بالکل چھوٹے بچے کا کہا تھا تو اس پہلے دکھانا بھی پڑیں گے, یہ موجود نہیں تھا. الحمد للہ یہ دیکھیں چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں. اچھا کیا ایج ہے ان کی ابھی؟ یہ اس میں 25 دن کے بچے ہیں اور 35 دن کے بچے ہیں. 25 دن کے بچے ہیں اور 35 دن کے بچے ہیں. تو کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان کی؟ ڈیمانڈ ہے 11,000 اور 12,000. 25 دن والا بچہ جو ہے اس میں 11,000 روپے کا ہے اور 35 دن والے بچے جو ہیں وہ 12,000 روپے کے ہیں. اچھا تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنے بچے ہوں گے اس باکس میں تقریباً؟ یہ تقریباً 13 سے 14 بچے ہیں. تو یہ ایک ہی فارم کی بریڈ ہے؟ ایک ہی فارم کی بریڈ ہے. ٹھیک ہے تو یعنی کراچی میں بھرپور بریڈ آ گئی ہے.
बस आना शुरू हुई थी, अब तो बिल्कुल एंड चल रहा है, बस ये समझ लें कि अब एंड की तरफ जा रहे हैं। तो फाइनल रेट क्या होंगे व्यूवर्स के लिए? चलें इसमें थोड़ा बहुत मैं और डिस्काउंट दे दूंगा आपके कहने से, जब आएंगे तो खुद मैं बकर का इनको दे दूंगा। ठीक है, वैसे इसका एग्जैक्ट रेट क्या बताएं? 11,000 और 12,000। 11,000 और 12,000, और हमारे कहने से थोड़ा बहुत और डिस्काउंट जो हो सकेगा कर देंगे। बिल्कुल बकर का कर देंगे इंशाल्लाह। इनको क्या फीड कराना है अभी? कैटी, सबको मैं बच्चों को कैटी फीड करवाता हूँ। दो टाइम? नहीं, इनको अभी छोटे बच्चे हैं, इनको 3 टाइम, बड़े बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको 2 टाइम फीड। 3 टाइम की थोड़ा सा टाइमिंग कवर करने के लिए 3 टाइम फीड होती है, 8-8 घंटे के गैप पे। हम देखते हैं जब पूरे कवर हो चुके हैं तो उसके बाद फिर हम लोग इनको 2 टाइम फीड पे ले आते हैं, ताकि फिर इनकी जो खुराक वगैरह है बीच में, जिस तरह काला चना वगैरह भिगो के रख देते हैं, भुट्टा वगैरह डालना शुरू कर देते हैं, तो वो भी फिर ये उठाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, कितने दिन के बाद ये फीड पे आना शुरू हो जाते हैं? फीड कम्प्लीटली बच्चा जो आता है वो 4 महीने की उम्र में आता है। वैसे हम लोग 3 महीने की उम्र से इनको स्टार्ट कर देते हैं। 3 महीने से आप देना शुरू कर देते हैं? इनके काले चना वगैरह भिगो के रख दिया, थोड़ा सा भूखा रखना पड़ता है, जैसे पहले भूखा होगा तो फिर खुद उठाना शुरू करता है। चने की दाल भिगो कर रख दी, सॉफ्ट फूड आते हैं वो भिगो कर रख दिए, यानी मल्टी यानी कि आइटम चेंज करते रहते हैं। एक टाइम जो है इसको फीड देते हैं, ये नॉर्मल जो इसकी सेल्फ फीड की होती है फीड ये देनी पड़ती है, हैंड फीड वाली होती है वो 2 टाइम इनको देना पड़ती है। ठीक है जी शहजाद भाई, ये बताइएगा ये सेटअप किसका है वैसे, इतना माल रखा हुआ क्या दुकान से शिफ्ट करके रखा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सेटअप मेरा ही है। आपको पता है कि हालात क्या चल रहे हैं, दुकान तो आपको पता है कि बिल्कुल अभी दुकान पे माल कुछ भी नहीं रख पा रहे थे, ऐसे बात है टाइमिंग बहुत शॉर्ट हुई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर घर पर रखा हुआ है सारा माल। कोई आता है आप लोगों के रेफरेंस से, कोई कॉन्टैक्ट करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से घर से दे देते हैं, कोई घर पर नहीं आ पाता तो फिर इनको दुकान का एड्रेस बता देते हैं हम लोग, जो हमारी नातों और गोल मार्केट में दुकान है, तो वहाँ तक आए थे तो फिर यहाँ से लेकर आए थे, कोई कहते हैं वहीं ले आओ तो फिर हम लोग आइटम। अच्छा, वैसे शॉप्स वगैरह तो बंद हैं, तो क्या तरीके कार होगा परचेज करने का अगर कोई ख़रीदना चाहेगा तो? परचेजिंग की टाइमिंग वैसे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक तो आबिल भाई की शॉप खुल रही है, तो मैं भी वहीं बैठा हुआ होता हूँ। ऐसे वाले परिंदे तो वहाँ छोड़ नहीं सकते ना, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है बंद करने की ना, तो इसलिए घर पर है तो परिंदे हमारी नज़रों के सामने रहते हैं। खुदा ना खासा कोई परिंदा वीक है, किसको दाना किस टाइम भी तो करानी होती है, बिल्कुल फीड वगैरह भी करवाना होती है सबको, इसलिए इनको घर पर रखा हुआ है। इस वजह से बकाया दुकान तो खालिद भाई वाली जो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुल रही है। ठीक है, तो यानी कि जो दुकान पे आना चाहते हैं तो ये टाइमिंग आपने बता दी, इसके अलावा बाकी तो मोबाइल पे कांटेक्ट करके, बकाया मोबाइल पे कांटेक्ट होते हैं तो कोई भी समझना चाहते हैं तो हम समझा देते हैं, दुकान का एड्रेस हुआ या यहाँ का घर का हुआ तो समझा देता हूँ मैं। ठीक है, अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। जी भाई, 0313-202-5055। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ अगर कोई व्यूअर आएगा तो उसके साथ ज़रूर कॉपरेट करेंगे। बेशक, कोई मसला नहीं है, जब आप कहेंगे तो वो भी बगैर का हम कर देते हैं। हालांकि मैंने जो रेट फाइनल भी दिए हैं लेकिन फिर भी मैं उनको बगैर का और डिस्काउंट भी दे देता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू। Thank you.
तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को आज का ये विज़िट पसंद आया होगा। आप तमाम व्यूवर्स से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो कराची से बाहर के लोग हैं जैसे कि पंजाब साइड के और दीगर सिटीज़ के जो लोग हैं, उन तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि काइंडली आप देख सकते हैं कि शहर की क्या सूरत हाल चल रही है। तो ये जो बर्ड हैं ये इस टाइम कराची में मौजूद हैं, तो आप तमाम व्यूवर्स कोई भी जो बाहर है आउट ऑफ कराची है वो कोई भी पैसे ना भेजे, और क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सब तमाम जो इलाके हैं वो लॉकडाउन हो चुके हैं, ट्रांसपोर्ट तकरीबन तमाम ट्रांसपोर्ट बंद हो चुकी है, तो ये जो बर्ड्स हैं वो पहुँचाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से आप तमाम व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा, जब तक हालात बेहतर नहीं हो जाते आप लोग कराची से कोई भी चीज़ परचेज़ ना करें। जो कराची वाले हैं वो आके ये परचेज़ कर सकते हैं, इसके अलावा इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों को बता देता हूँ, शहजाद भाई ने एक और बात क्लियर की, यहाँ पे जो कराची के लोग हैं जो आ नहीं सकते इनकी शॉप पे, वो इनको कांटेक्ट कर लें, ये बाइक की सहूलत जो है वो फराम है इनके पास, ये आपको घर बैठे डिलीवरी करा देंगे। इनसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी परिंदा पसंद आता है आपको व्हाट्सएप पर जो भी आपने डीलिंग करनी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके पास डिलीवरी सर्विस मौजूद है, बाइक के थ्रू ही आपको डिलीवरी दे सकते हैं। इसके साथ साथ उम्मीद करता हूँ आप तमाम व्यूवर्स को आज का ये विज़िट पसंद आया होगा। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।